हेलो एवरीवन, आज मैं तुम सबसे सीए फाइनल ऑडिट के बारे में बात करने आया हूँ। डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे को सीए फाइनल ऑडिट का मेरा नया रेगुलर बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इट्स अ लाइव बैच जहाँ पर स्टूडेंट्स लाइव एट सेंटर में भी पढ़ेंगे, लाइव एट होम में भी, और गूगल ड्राइव में भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो इस बैच के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट रहता है ना, वो क्लियर हो जाए। ये नया बैच चार मेन पॉइंट्स पर बेस्ड है। फर्स्ट पॉइंट है 100% कवरेज ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल। हम सब जानते हैं कि ऑडिट का लिटरेचर कौन क्रिएट करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उनसे बढ़िया लिटरेचर और डिटेल्ड एग्जॉस्टिव लिटरेचर कहीं नहीं है। तो ICAI स्टडी मटेरियल का हम लोगों को 100% कवरेज करना है। मेरी जो किताबें मैंने बनाई हैं, 6 किताबें हैं और 3 वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, क्वेश्चन बैंक 1, 2, 3, इट कवर्स एंटायर ICAI स्टडी मटेरियल। तो पहला फोकस मेरा होगा 100% कवरेज ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल। मेरा दूसरा फोकस है 100% न्यू क्वेश्चंस। ऑडिट का न्यू सिलेबस बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू द ओल्ड सिलेबस। आई हैव बीन टीचिंग ऑडिट फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो पहले जो ऑडिट का सिलेबस था और अब जो है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्वेश्चन पैटर्न में फर्क है, एकदम केस स्टडी बेस्ड नए टाइप के क्वेश्चंस है। तो हम लोगों को 100% न्यू क्वेश्चंस पर फोकस करना है। थर्ड मेरा फोकस है 65 क्लासेस। अब ये 65 क्लासेस क्यों? इट्स अ रेगुलर बैच। तो रेगुलर बैच है मतलब मैं सब चीज़ पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर, सारे टॉपिक, क्वेश्चन आंसर सब डिटेल में कवर होंगे। और 65 क्लासेस में कैसे होंगे वो शेड्यूल में बताना चाहता हूँ। ICAI ने 3 वॉल्यूम बनाए हैं ऑडिट किताब के। देयर आर टोटल ऑफ 19 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 to 7 वॉल्यूम 1, 8 to 14 वॉल्यूम 2, 15 to 19 वॉल्यूम 3। मतलब 3 किताबें हैं, 7 चैप्टर एंड 5 चैप्टर। सही बोला ना मैं? 7, 7, 5। हाँ, ऐड कर लो तुम, इट कम्स टू 19 चैप्टर्स। तो वॉल्यूम 1 को कवर करने में लगभग 23 क्लासेस लगेंगी, वॉल्यूम 2 में 22 क्लासेस एंड वॉल्यूम 3 में समवेयर अराउंड 20 क्लासेस, क्योंकि उसमें 5 चैप्टर है। तो ये कुल मिला के अराउंड 65 क्लासेस के आसपास आता है। तो 65 क्लासेस ऑफ 3 आवर्स, इसमें हम लोग फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं डिटेल में, 65 क्लासेस। अब 65 क्लासेस मेरे हिसाब से बड़ा ही ऑप्टिमम फिगर है, ना हम इसे ज़्यादा बोल सकते ना हम इसे कम। 100% कवरेज के लिए इतना तो ज़रूरी है। चौथा मेरा फोकस एक नई चीज़ है जो मैंने स्टार्ट की है, वो मैं अपने फाइनल में भी करूँगा, क्लासरूम रिविजन। सर, ये क्लासरूम रिविजन क्या होता है? रिविजन 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लासरूम रिविजन फॉर माय ओन स्टूडेंट्स और एक यूट्यूब रिविजन जो मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। यूट्यूब रिविजन और क्लासरूम रिविजन में फ़र्क किस चीज़ का आता है? यूट्यूब रिविजन में वो स्टूडेंट्स जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ जुड़ते हैं, जिनको डिटेल में टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जो सुन के कुछ समझना चाहते हैं, तो वहाँ फोकस क्या होता है? समझाने में बहुत ज़्यादा होता है और याद करने में कम। तो रिविजन के टाइम पे या मैराथन के टाइम पे कम टॉपिक्स उठाई जाती है, हर चैप्टर को छोटा 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 करके किसी तरह से एक कैप्सूल क्रिएट किया जाता है 15 घंटे का, ताकि मैराथन में 15 घंटे में स्टूडेंट को एक अनुभव हो सके ऑडिट का। बट इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। ऑन दी अदर हैंड, क्लासरूम रिविजन जो होता है वो क्लास स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिन्होंने पूरी बुक से, कॉपी से डिटेल में मेरी क्लासेस पढ़ी हैं, जिन्हें मेरा बताया हुआ एक एक कंसेप्ट पता है। तो वहाँ पर जब मैं रिविजन कराता हूँ तो मैं 100% रिविजन करा सकता हूँ, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, जो भी टॉपिक्स है सब रिवाइज करा सकता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। वहाँ पर 100% डिटेल रिविजन होता है फ्रॉम माय बुक एंड कॉपी नोट्स। ये ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने इंटरमीडिएट के बैचेस में। मेरे इंटर लॉ ऑडिट के बैचेस में ऑलरेडी क्लासरूम रिविजन्स चल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, स्टूडेंट्स को बड़े भाए हैं, क्योंकि 100% रिविजन हो रहा है। हम लोग कोई शॉर्ट टॉपिक करके नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पर फोकस होता है पूरा 100% कवर कराओ और एकदम याद करवा दो क्लास में। तो ये चौथी चीज है, क्लासरूम रिविजन, जो मैंने स्टार्ट किया है। तो आई वॉन्ट टू रिपीट इट वंस मोर फॉर ऑल ऑफ यू, सीए फाइनल ऑडिट 19 चैप्टर, 3 किताबें, 7, 7, 5, टोटल 19 चैप्टर्स। कितने क्लासेस लगेंगे? 23, 22, 20, मतलब टोटल ऑफ 65 क्लासेस। 4 चीज़ों पे हमारा फोकस रहने वाला है, 100% कवरेज ऑफ ICAI मटेरियल, ताकि सिर्फ मेरी एक सेट ऑफ किताब को पढ़ो और कुछ भी और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एक वर्ड कवर हो जाएगा ऑडिट के सिलेबस में। नंबर 2, 100% न्यू क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन बैंक। नंबर 3, 65 क्लासेस।
एंड नंबर फोर क्लासरूम रिवीजन। तो ये पूरा रेगुलर बैच है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कोई क्रैश कोर्स या क्रैश बैच नहीं है, यहाँ सब कुछ 100% कवर किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आर्टिकलशिप में जाते हैं बड़ी बड़ी फर्म्स में, वो उन्होंने भी लाइव एट सेंटर की क्लासेस को चुना है कि नहीं, सब्जेक्ट ही ऐसा है कि सामने सामने अगर रोज़ सुबह आके पढ़ लेंगे तो वो अच्छे तरह से कंप्लीट भी होता जाएगा। ऊपर से क्या है ना, ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है। घर में जब कोई स्टूडेंट टीवी पे देखता है और टीचर नहीं है, मतलब आप मान लो आप लाइव एट होम भी नहीं कर रहे, आप लाइव एट जीडी भी नहीं कर रहे, आप अपने घर में लैपटॉप पे देख रहे हो, कहीं ना कहीं तुम फटीग आ जाता है, छोड़ देते हो, थक के उड़ जाते हो। पर सामने सामने जब क्लास करते रहोगे टीचर के, तो क्या होता है, डिसिप्लिन में वो कंप्लीट होता हुआ दिखेगा बैच। ओके, तो टोटल हमें 3 मंथ्स लगने वाले हैं। इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 17th of May एंड इट विल गेट ओवर बाय 17th of August। ये बैच नवंबर 24 के स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हैं, बिकॉज ये बैच अगस्त में ख़त्म हो जाएगा 17th of August को, विच लीव्स 2.5 मंथ्स, आधा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ढाई महीने तुम्हारे पास बचेंगे। इस 3 महीने के दौरान ये 65 क्लासेस में हम लोग पूरा कोर्स कवर करेंगे, प्लस जैसा कि मैंने बोला 65 क्लासेस के अलावा आई विल बी ऑल्सो कंडक्टिंग क्लासरूम रिविजन्स, फुल डिटेल क्लासरूम रिविजन्स। अच्छा, क्लासरूम रिविजन्स में एक स्पेशल बात क्या है कि जैसे मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरी वॉल्यूम 1 की किताब में 7 चैप्टर है, तो लगभग 1 महीने तक 23 क्लासेस में वॉल्यूम 1 ख़त्म होगा। उसके बाद मैं धनाधन वॉल्यूम 1 के क्लासरूम रिविजन्स कंडक्ट करूँगा अपनी पूरी बुक से, एक एक टॉपिक जो मैंने पढ़ाया वही सेम चीज़ दिखा के। ये क्लासरूम रिविजन के बारे में मैं एक बात बताना भूल ही गया, वो इम्पॉर्टेंट ये है, वाई एम आई कंडक्टिंग 2 different types ऑफ रिविजन, कि क्लासरूम रिविजन अलग और यूट्यूब रिविजन अलग। क्योंकि जैसा मैंने बताया, YouTube में जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जो YouTube स्टूडेंट्स हैं, जो YouTube के थ्रू टीचर की हेल्प लेते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान भी नहीं होता, तो उन वहाँ पर क्या होता है, रिविजन या मैराथन में मैक्सिमम टाइम समझाने में निकल जाता है, तो कम कम टॉपिक्स कवर हो पाते हैं। क्लासरूम रिविजन में क्या है कि सारा कंसेप्ट बताया हुआ है, तो 100% मैं रिवाइज करा सकता हूँ। दूसरी बात, मुझे ये भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट फाइनल का जो स्टूडेंट, वो डरता है, उसे ये लगता है कि हम पढ़ तो सब कुछ लेंगे, 100% कवरेज हो जाएगा, आईसीए मटेरियल का 6 बुक्स है, पर एग्ज़ाम में हम कैसे रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट को ये विश्वास ही नहीं होता कि वो 100% रिवाइज करके जा सकता है। मेरा काम है वही विश्वास दिलाना इस क्लासरूम रिवीजन के ज़रिए। क्लासरूम रिवीजन में 100% रिवाइज होता है। बात को थोड़ा समझो, अगर किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम नवंबर में, तो सितंबर या अक्टूबर महीने में वो एक बार तो फुल ऑडिट के 6 बुक रिवाइज करेगा, 3 वॉल्यूम्स और 3 क्वेश्चन बैंक्स फुल रिवाइज करेगा। ग्रुप 1 में 3 पेपर है, पेपर नंबर 3 अपना ऑडिट है, तो वो एक बार तो फुल रिवाइज करेगा। अब एग्ज़ाम में जो उसको गैप मिलेगा 1 डे का, 1.5 डेज का, उसमें उसको क्वेश्चन बैंक तो करने नहीं है, तो 6 बुक में से 3 बुक जो क्वेश्चन बैंक है वो तो ऐसे ही हट गए, बचे कितने, 3 बुक। अब ये 3 बुक मैं फुल तुमको क्लासरूम में रिवाइज करा के दिखाऊंगा और मतलब प्रूफ करूंगा कि 20 आवर्स के अंदर वो पूरी की पूरी 3 बुक रिवाइज करनी पॉसिबल है। और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी आई हैव डन इट इन लास्ट 1 मंथ इन माई इंटर लॉरेट बैचेस। इंटर लॉरेट बैचेस में ऑलरेडी मैंने पूरा करके दिखा दिया मुंह पे कि ये देखो 100% हम लोग क्लास में रिवाइज करके जा सकते हैं पूरा का पूरा बुक। ये नहीं है कि अपने को सिर्फ एग्जाम टाइम में अपने नहीं पढ़ पाएंगे, एग्जाम में अपने कोई छोटी बुक चाहिए या कॉम्पैक्ट बुक चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना ज़्यादा कवरेज अच्छी तरह से हम करके जाएंगे, उतना ज़्यादा हम सेफ रहेंगे एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पर क्वेश्चंस एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड आते हैं। कम से कम इतनी सेफ्टी तो एक स्टूडेंट को रखनी चाहिए कि वो 100% अपनी तरफ से पूरा कवरेज करके जा रहा है। तो उसी पूरे प्रोसेस में आई एम हेयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू। अगेन आई विल रीट्रेट, माई फोकस हैज ऑलवेज बीन ऑन 100% कवरेज ऑफ आई सी ए मटेरियल, 100% न्यू क्वेश्चन, ओल्ड स्कैनर इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, 65 क्लासेज दैट्स ऑप्टिमम टू कवर द एंटायर सिलेबस, ना ज़्यादा ना कम। एंड नंबर 4 क्लासरूम रिविजन्स अपार्ट फ्रॉम दो 65 क्लासेज। सो ये था नए बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है अभी फ्राइडे, उसके बारे में आप लोगों को डिस्कशन। कोई भी और क्वेरीज कुछ भी हो तो तुम ऑफिस नंबर पर मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हो या नीचे कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू।